पाकिस्तानी पीएम की कैसी ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई वायरल। पाक पीएम शहबाज ने ऐसा क्या कहा जो विपक्ष के निशाने पर आए। पाकिस्तानी पीएम का ऑडियो किसने किया था लीक। इमरान की पार्टी तहरीक इंसाफ ने पीएम शरीफ पर क्या आरोप लगाए। पाकिस्तान में जहां एक और बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इमरान खान की सरकार गिरने के बाद से और शहबाज शरीफ के पीएम पद पर काबिज होने के बाद से राजनीतिक घमासान भी देखने को लगातार मिल रहा है। आए दिन इमरान खान जनता को संबोधित करते हुए कहते देखे जाते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था सरकार की गलत नीतियों के चलते लगातार रसातल में जा रही है। जरूरत है कि जनता सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरे और सरकार को गिराने के लिए एकजुटता दिखाए। इधर सिंध प्रांत में खास तौर पर जनता जल प्रलय से त्राहिमाम कर उठी। अब शहबाज शरीफ से जुड़ा एक नया मामला सामने आया है, जिससे पूरे विपक्षी खेमे को उन पर हमला बोलने का बड़ा मौका मिल गया है। मामला यह है कि इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ के नेता फवाद हुसैन ने एक ऑडियो क्लिप ट्वीट किया है। उनका आरोप है कि इसमें जो आवाज सुनाई दे रही है वो पीएम शहबाज शरीफ की है, जो किसी अधिकारी से बातचीत कर रहे हैं। इसमें शरीफ कह रहे हैं कि मरियम नवाज से उनकी बातचीत हुई है और उसमें मरियम ने कहा कि दामाद राहिल की मदद कर रही है। इस बात के सामने आने के बाद ही पूरा विपक्ष हमलावर हो उठा। उन लोगों ने शरीफ को घेरते हुए कहा कि उनके लिए अपने रिश्तेदारों का व्यवसायिक लाभ देश हित से बड़ा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये पूरा माजरा आखिर है क्या। फवाद हुसैन ने जो ऑडियो क्लिप शेयर किया है, उसमें एक व्यक्ति की आवाज सुनाई दे रही है, जिसे पीटीआई शहबाज शरीफ की आवाज बता रही है। शख्स कह रहा है कि मरियम नवाज शरीफ ने मुझे भारत से बिजली संयंत्र मशीनरी के आयात में अपने दामाद राहिल की मदद करने के लिए कहा है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार द डॉन के अनुसार ऑडियो क्लिप में अधिकारी को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो अब ये मामला ECC और कैबिनेट में जाएगा, तब हमें बहुत आलोचना का सामना करना पड़ेगा। इस पर कथित तौर पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दामाद मरियम नवाज को बहुत प्रिय हैं, उन्हें इस बारे में बहुत तार्किक रूप से बताएं और फिर मैं उनसे बात करूंगा। उसमें यह भी सुना जा सकता है कि कथित रूप से पीएम अधिकारी के साथ इस धारणा से भी सहमति जताते हैं कि यह सरकार की छवि के लिए बुरा होगा और विशेष रूप से राजनीतिक परेशानी का कारण बन सकता है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मरियम नवाज कौन है और उनके दामाद राहिल कौन है, तो चलिए हम बताते हैं। मरियम नवाज की बेटी मेहरुन्निसा ने दिसंबर 2015 में उद्योगपति चौधरी मुनीर के बेटे राहिल से शादी की थी। मरियम पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी है। डॉन की खबर के मुताबिक ऑडियो क्लिप में अंत में पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मकबूल बाकिर का जिक्र है, जिनको राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो का अगला प्रमुख माना जा रहा था। अधिकारी को दो मीडिया कर्मियों के सुझाव के बारे में भी प्रधानमंत्री से कहते हुए सुना जा सकता है। वो कहते हैं कि ANB अध्यक्ष पद के लिए पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मकबूल बाकिर के नाम पर विचार न करें। अधिकारी पीएम को ANB पूर्व प्रमुख जावेद इकबाल, जो कि रिटायर्ड जज भी थे, उनके अनुभवों को याद दिलाते हैं, जिन्हें तब की PMLN सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। पीएम और अधिकारियों के बीच यह कथित बातचीत वायरल ऑडियो की एक टाइमलाइन तय करने में भी मदद करता है, क्योंकि ANB प्रमुख की नियुक्ति का मामला लगभग 2 महीने पहले से चर्चा में था। ऐसे और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।